हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया अपन एक मॉडल लेके आ गए हैं, कलर मॉडल, जो कि बहुत ही ज्यादा भैया इस्तेमाल में लिया जाता है, जिसका नाम है RGB कलर मॉडल, जिसका नाम आपने भी कभी ना कभी सुना होगा। और नहीं सुना होगा, इसके बारे में नहीं पता होगा, तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स की दुनिया में RGB कलर मॉडल क्या है, उसकी क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, ऐसे कौन कौन से प्रश्न है जो आपको प्रश्न पत्रिका में दिख सकते हैं, और उनका क्या उत्तर होना चाहिए, वो इसी वीडियो के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंतिम सेकंड तक देख लें और ये सब कुछ समझ लें, और अगर समझ में आ जाए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने पेरेंट्स चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए यार शुरुआत करते हैं RGB कलर मॉडल। तो देखो यार, कलर मॉडल का फंडा ही ऐसा रहता है कि कुछ गिने चुने अपने प्राइमरी कलर्स, कुछ गिने चुने प्राइमरी कलर्स का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ रिस्पेक्टिवली जो कलर्स हैं उनको रिप्रेजेंट, उनको जनरेट करने का प्रयत्न प्रयास यहां पे कर रहे हैं, और उसके लिए हम यूज कर रहे हैं RGB, ये तीन चैनल्स को, ये तीन प्राइमरी कलर्स को, जो कि आपके सामने मैंने लिख दिया है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये P डिनोट्स करता है प्राइमरी कलर, ये वो आपके कोर प्राइमरी गिने चुने तीन कलर रहने वाले इस रिस्पेक्टिव कलर मॉडल में, रेड, ग्रीन, ब्लू। और ये मॉडल किस नेचर पे ऑपरेट करता है, इसका बिहेवियर क्या है, एडिटिव, यस, इसका बिहेवियर जो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी थोड़ा जिक्र किया था कि ये एक एडिटिव कलर मॉडल है। आपने कई बार वो वीडियोस देखे होंगे ना, शॉर्ट्स में, रील्स में आपने वो वीडियो देखे होंगे जहां पे इतना सा वो रेड कलर का पेंट लेता है, फिर ये ग्रीन कलर का लेता है, फिर ब्लू कलर का लेता है, और उसको पूरी तरीके से मिक्स करता है तो एक कलर बन जाता है। वो क्या कर रहा है, एडिट तो कर रहा है, ये लिया ग्रीन, ये ग्रीन का इंटेंसिटी, ये ब्लू का और ये रेड का, ये तीनों प्राइमरी कलर मिक्स करके एक नया कलर भैया बना देते हैं। कुछ ऐसा ही कार्यक्रम एडिटिव कलर नेचर जो है, एडिटिव बिहेवियर जो है, आपको इस रिस्पेक्टिव कलर मॉडल में देखने को मिल जाएगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम और पॉइंट्स पे ऊपर भी आएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फंडा ये है कि हम अपने RGB कलर मॉडल को क्यूबिकल कलर मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि कुछ इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्यूबिकल कलर मॉडल दिख रहा है कि नहीं आपको, ये 3 डायमेंशनल, ये 3 एक्सेस, XYZ पे जो आपको कलर्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे रेड, यहाँ पे ग्रीन, अलग अलग एक्सेस पे भैया रिस्पेक्टिवली तीनों पे आपके जो ये प्राइमरी कलर्स हैं वो मैंने यहाँ पे लोकेट कर दिए हैं, और उसके बीच में मैंने क्यूबिकल शेप बना दिया है, और जिसके अलग अलग एडिशन पे, अलग अलग रिस्पेक्टिव मिलावट पे, मिक्सचर पे जो है आपको रिस्पेक्टिवली यहाँ पे अपने कुछ नए नए कलर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। जैसे चलिए मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूँ यहाँ पे फंडा। ये ग्रीन कलर है भाई, ये आपका रेड है और ये ब्लू है। तो सबसे पहले तो भैया कॉर्नर वाले जो पॉइंट्स है उनको हम लोग नोटिस करते हैं, यानी कि मैं इस कॉर्नर पॉइंट की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉर्नर पॉइंट। यहां पे कौन सा कलर होगा, यहां पे प्योर ग्रीन कलर होगा, प्योर ग्रीन कलर, क्योंकि यहां पे अगर आप कोऑर्डिनेट देखो जरा गौर से, 0, 1, 0 एक्स एक्सिस पे नहीं शामिल किया गया है, हमने Z एक्सेस वाला भी कलर नहीं शामिल किया है, हमने सिर्फ Y एक्सेस वाला शामिल किया और Y एक्सेस पे ग्रीन है। एंड डोंट वरी, आपको कई सारे और बुक्स में, किताबों में, वेबसाइट्स पे ये सारा जो क्या बोलते हैं X एक्सेस, Y एक्सेस, Z एक्सेस पे भैया जो आपने ये ग्रीन, रेड, ब्लू लिया है ना, वो थोड़ा सा घुमाव फिराव वाला दिख सकता है कि यहां पे रेड है, यहां पे ब्लू है, यहां पे ग्रीन है, ऐसा दिख सकता है। लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशनल कलर जनरेट हो रहा है उसका नाम आपने गलत नहीं लिखना है। आप यहां पे भैया ऐसे किसी भी तरीके से उसको घुमा सकते हैं, क्यूबिकल नेचर ही उसका रहेगा, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन आपको मिस इंटरप्रेट नहीं करना है, गलत तरीके से लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे मैं बता रहा था, ये जो पॉइंट है ये अपना, यहां पे वाई एक्सिस पे ग्रीन है, तो सिर्फ मैंने ग्रीन ही इंक्लूड किया, तो वो सिर्फ प्योर ग्रीन ही यहां पे इस पॉइंट पे कलर दिखाएगा। सिमिलर केस में यहां पे इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो 1, 0, 0, और हाँ इसकी जो वैल्यू है बेसिकली, ये मैं बताना भूल गया शुरुआत में कि क्यों भैया यहाँ पे 1 लिया, क्यों यहाँ पे 0 लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में ही फ्लक्चुएट होती है, ऐसे हम समझते हैं। और यहाँ अपन डिनोट ऐसे उसे कर सकते हैं कि 1 मतलब 100%, 1 मतलब 100%, 0 मतलब 0%, कि अगर आपने 100% ग्रीन ही लिया है तो वो कौन सा कलर होगा, ग्रीन ही होगा, क्योंकि उसमें भैया लेट से आपने रेड और ब्लू यहां पे मिक्स नहीं किया है, मिलाया नहीं, इसलिए उसका 0% यहां पे अपन कंसीडर कर रहे हैं। यहां पे भैया सिर्फ रेड है, ग्रीन ब्लू नहीं है, यहां पे भैया सिर्फ ब्लू है, रेड और ग्रीन नहीं है, तो यहां कलर क्लियर डिस्टिंक्टली पता चल जाता है कि ये ब्लू है, ये रेड है और ये ग्रीन है। तो चलो ये तीन कॉर्नर्स अपने को पता चल गए, अब कुछ और कॉर्नर्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। कैसे करते हैं, जो मैं बता रहा था ना कि कहीं भी एक्सेस पे रेड, ग्रीन, ब्लू रख दो, लेकिन इनके कॉम्बिनेशंस को मिस इंटरप्रेट मत करना, गलत मत लिख देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रीन और रेड, मतलब यहां पे अगर मैं ग्रीन और रेड के लाइन को आगे बढ़ाता हूं, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे और इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे जहां पे मुझे कलर मिलता है येलो, यानी येलो इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, येलो इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, यहां पे देखो 1 है पहले और फिर Y का भी 1 है, यानी कि ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन आपको येलो मिलता है, उसमें कोई भी ब्लू का नामो निशान नहीं होगा, 0%। बात क्लियर है, इतनी सिंपल है। अगर आगे देखें, अभी मजेंटा वाला देखते हैं, मजेंटा वाला जो कलर है वो देखना, रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है, यहां पे फोकस करना,
रेड और ब्लू का, यहां से भैया रेड जाएगा, यहां से रेड आएगा, दैट इज एक्स एक्सेस, और ये जेड एक्सेस से भैया आपका ब्लू आएगा, और इसमें भैया ग्रीन का नामो निशान आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब अपने 1 2 3 4 5 कॉर्नर हो चुके हैं, अब ये छठा कॉर्नर देखो, साइन इस कलर को बोलते हैं, साइन है, जिसमें भैया कंट्रीब्यूशन किस किस का है, जिसमें कंट्रीब्यूशन 100% भैया आपका ब्लू तो जाएगा और साथ ही साथ ग्रीन भी आएगा। कनेक्टिंग लाइन देखो यार, कनेक्टिंग लाइन देखो, काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो यहां पे फंडा जो है क्लियर क्रिस्टल मैनर में दिखाई दे रहा है कि पूरा 100% ब्लू और ग्रीन की मदद से आपका साइन बना है। तो चलो कितने कवर हो गए भैया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहां पे कॉर्नर अपने कवर हो चुके हैं। अभी और बचे कितने हैं जरा गौर से देखेंगे, तो ये एक कॉर्नर बचा जो बड़ा अहम कॉर्नर है, जरा गौर से देखना इस बात को। यानी मेरा कहने का मतलब ये वो कॉर्नर है जिसमें ग्रीन भी 100%, येलो भी 100% और रेड भी, सॉरी नॉट येलो यार, ग्रीन भी 100%, रेड भी और ब्लू भी 100%, यानी 1 1 1, ये सबका कंट्रीब्यूशन जब रहेगा तो सॉरी आपको यहां पे कलर जो है, आपको यहाँ पे कलर जो है वो व्हाइट देखने को मिलेगा। तो ये एक और कॉर्नर जो अभी अभी हमने एक्सप्लोर किया है, दैट इज अ व्हाइट। जब सभी भैया 100% अपना दे रहे होंगे तब जाके भैया रोशनी होगी, तब जाके भैया कुछ सफेदी दिखेगी, तब जाके व्हाइट जो कलर है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई प्रयास नहीं करेगा, तो अगर सब भैया 0% पे अटक गए, यानी कि ये वाला ओरिजिन पॉइंट जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारा एक्स वाई और जेड वाला फंडा रहता है ना, उसका जो ओरिजिन पॉइंट है 0.0.0, ये जो कोऑर्डिनेट्स आपके रहते हैं, तो वहां जो लोकेटेड रहता है आखिरी कॉर्नर में आपका वो रिस्पेक्टिव कलर रहता है ब्लैक, कि जिसमें ना भैया रिस्पेक्टिवली अंधकार छाया हुआ है, जिसमें ना ब्लू है, ग्रीन है और ना ही रेड है, मतलब आपके प्राइमरी कलर्स वहां पे इन्वॉल्व नहीं है। और एक सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो 1.1.1 है और ये जो 0.0.0 है, इसके बीच में मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई, यानी कि एक डायगनल लाइन है। ये दोनों अपोजिट कॉर्नर्स है, अगर गौर से अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हो, ये वाला और ये वाला दोनों डायगनली अपोजिट पॉइंट्स हैं, इनके बीच में एक डायगनल लाइन मैंने डॉटेड बना दी है, जो कि नथिंग बट कहलाती है ग्रे एक्सेस, क्योंकि यहां पर आपको सारे ग्रे कलर के जो वेरियंट्स है वो देखने को मिलेंगे। जैसे ये ब्लैक कलर है, ये थोड़ा सा लाइट ब्लैक हो जाएगा, फिर ये थोड़ा ग्रे, फिर ये थोड़ा लाइट ग्रे, थोड़ा वाइट ग्रे और फिर वाइट, बराबर है। इस तरीके से सारे के सारे जो आपको कॉम्बिनेशंस है अपने ग्रे एक्सेस पे जो है देखने को मिल जाएंगे, ग्रे कलर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, इन बिटवीन 0 और 1 ही लेने ना वैल्यूज, तो मैं लेट से 0.7 ले लेता हूँ, 0.7 ले लेता हूँ और 0.7 ले लो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ग्रीन भैया 1 पे नहीं है, वो 0.7 पे है, ये भी 0.7 पे है, ये भी 0.7 पे है, और उस वक्त भैया आपका कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं इस ग्रीन लाइन पे लाई करेगा, ग्रे एक्सेस पे लाई करेगा, एंड देन यू कैन से दैट द कलर इज नथिंग बट द ग्रे जो आपको मिलना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, अभी जरा गौर से देखिएगा, समझिए इस बात को जो मैं अभी बताने जा रहा हूं रिगार्डिंग द सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर किसे बोलते हैं कि भाई आपने प्राइमरी कलर का इस्तेमाल करते हुए, किन्हीं दो प्राइमरी कलर का इस्तेमाल करते हुए उसको कंबाइन किया और एक नया कलर जनरेट किया, उसे बोलते हैं सेकेंडरी कलर। बाकी प्राइमरी कलर क्या होते हैं वो चीज तो मैं आपको दिखा चुका हूं। अब इन दोनों फैक्ट्स के बेसिस पे प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को समझते हुए, सेकेंडरी कलर कौन सा भैया यहां पर, अगर आप गौर से समझोगे, अगर आप गौर से देखोगे तो सेकेंडरी कलर कौन सा है, ये सेकेंडरी कलर है, ये सेकेंडरी कलर है, ये सेकेंडरी कलर है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो यहां पे कहीं ना कहीं मैंने अपने दो प्राइमरी कलर्स को जोड़ के एक सेकेंडरी कलर को जनरेट किया है। अब यहां मैं कह रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा, अगर मैं अपने प्राइमरी कलर और उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेकेंडरी कलर को एड करता हूं, यानी कि मिक्स करता हूं, तो मुझे व्हाइट कलर मिलेगा। क्या कहा मैंने, मैं अगर अपने प्राइमरी कलर और उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेकेंडरी कलर को अगर मिक्स करता हूं, ऐड करता हूं, क्योंकि एडिटिव मॉडल है, तो मुझे व्हाइट मिलेगा। यानी कहने का मेरा मतलब है, देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला है प्राइमरी कलर क्या है, रेड, ये क्या है, सेकेंडरी कलर है। लेकिन क्या ये सेकेंडरी कलर आपके रेड का कॉम्प्लीमेंट है, क्या वो कॉम्प्लीमेंट है, जरा गौर से देखना कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या निकलता है। अगर ये मैं 100 बोल रहा हूं, तो क्या ये एग्जैक्टली तीनों वैल्यूज इसकी कॉम्प्लीमेंट है, हाँ जी बिल्कुल है, यहां पे 100 तो यहां पे 011, तो देखिए ना, 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0, बात सही है। तो यहां पे 1 है तो यहां 0 होना चाहिए, फिर यहां 0 है तो 1 होना चाहिए, फिर 0 है तो 1 होना चाहिए, इस तरीके से ये परफेक्टली इसका कॉम्प्लीमेंट है, प्लस ये सेकेंडरी भी है, तो ये हो जाता है साइन कलर आपका, सेकेंडरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्राइमरी कलर रेड। और फिर यहां पे जब मैं कॉम्बिनेशन लगाता हूं रेड और साइन का, जब मैं टोटल मारता हूं, तो यहां पे रिस्पेक्टिवली आपका व्हाइट कलर निकल के आना चाहिए, यही वो कह रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल था, बड़ा पॉपुलर था, इसमें आप चलिए ब्लू कंसिडर कीजिए। लेट से मैं अगर ब्लू की बात करता हूं, ब्लू में मैं ऐड करूंगा, ब्लू में क्या करना पता है अपने को, सिर्फ इसका अपोजिट कलर देखना,
कॉम्प्लीमेंट देखना है, यहां पे 001 है तो यहां पे 110 होना चाहिए, तो यहां पे अगर मैं ब्लू में येलो ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, व्हाइट मिलेगा। इसी तरीके से हम ग्रीन के मामले में भी सोच सकते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या भैया, मजेंटा है, 010 यहां 101 बराबर है, तो यहां ग्रीन प्लस मजेंटा करेंगे तो भी आपको यहां पे व्हाइट देखने को मिल जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिगार्डिंग दिस आरजीबी कलर मॉडल जो कि आपको यहां पे समझनी है। और एक और चीज जो यहां हम देखते हैं कि भैया कहाँ इसका ज्यादातर तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, यूज केसेस, यहाँ पे आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट फंडा लिख के रखा हुआ है डिस्प्ले डिवाइसेस जो भी हमारे रहते हैं, जिसमें हमको अपने चित्र जो हमारे रिस्पेक्टिव जो भी पिक्चर है वगैरह जो रहेगा भैया फंडा जो भी काम करना है उसके लिए जो भी हमारे डिस्प्ले डिवाइसेज रहते हैं जो हमको दिखाते हैं भैया जो कि हमारे आउटपुट डिवाइसेज हैं डिस्प्ले डिवाइसेज, उनमें आप जो है इन रिस्पेक्टिव आरजीबी कलर मॉडल्स को ज्यादातर इस्तेमाल में होते हुए देखने को मिल जाएंगे। और ये सारा वो फंडा था जो मुझे आपके सामने रखना था, होपफुली सारी चीजें जो मेंशन की थी वो कवर हो गई है और आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।